ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्ड शो सॉल्यूशन में। निर्मला जी, आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बूंदी से निष्ठा जी हैं। निष्ठा जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 29 मार्च 1997। ठीक है, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि मैं इस साल बीए सेकंड ईयर में हूँ, मतलब मेरा पेपर चल रहा है, और मेरा करियर किस चीज में? टीचिंग में ही है, एकेडमिक करियर है तुम्हारा, तो हमको लगता है कि बीए के बाद बीएड या तुम नेट स्लेट क्लियर करोगी। फारूक जी हैं जयपुर से। फारूक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, मुझे अपने बारे में और अपने दो मित्रों के बारे में पूछना है। फारूक भाई, आप पहले अपने बारे में पूछ लीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैडम डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। अच्छा, कितने बरस के हैं आप? मैं 30। सवाल पूछे। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा करियर मीडिया में है या और किसी फील्ड में? मीडिया में ही है जी। मीडिया में ही है, और अगर तब्दीली भी हुई तो मीडिया में ही तब्दीली होगी। 2017 में मैं देखती हूँ कि कुछ चेंज है, तो फील्ड वही रहेगा पर टाइप ऑफ वर्क बदल सकता है। बच्चों का पूछ लीजिए फारूक। नहीं मैडम, मेरे मित्र हैं। जी फारूक जी, अपना सवाल पूछिए। अब मुझे अपने मित्र के बारे में पूछना है। अब मित्र का हम नहीं बता पाएंगे फारूक, क्योंकि वो तुम्हारा ब्लड रिलेशन नहीं है। मुझे फर्स्ट ब्लड रिलेशन के ही वाइब्रेशन आते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बड़े बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। उसका डेट ऑफ बर्थ? उसका है 6 जुलाई 2005। 6 जुलाई तो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है वो डेंटिस्ट बने। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव जी हैं भरतपुर से। राजीव जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मैं अपनी बेटी अंशिका के लिए बात कर रहा था। मैं जी, अपनी पुत्री की जन्म की तारीख बताइए, फिर सवाल पूछिए। उसका 1 अगस्त 2002। जी, अब अपना सवाल पूछिए राजीव जी। मेरे जानना था वो इस समय 9th में पढ़े, वो कौन सी फील्ड में जाएगी, किस लाइन में जाएगी? वो काफी शार्प है हुकम, वैसे तो वो एकेडमिक करियर ऑप्ट करेगी या फिर रिसर्च के फील्ड में ही। मुझे लगता है कि वो लेगी तो साइंस साइड जाएगी, पर वो ऑप्ट जो करेगी वो एकेडमिक करियर है, तो लेक्चरर बनेगी आगे चल के, या रिसर्च फील्ड उसका एकेडमिक ही रहेगा। जी निर्मला जी, हम एम की बात कर रहे थे, एम और गोल होना बहुत बड़ा ही जरूरी है लाइफ में हर किसी व्यक्ति के। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, एम को प्राप्त करने के लिए, गोल को हासिल करने के लिए मन की शांति और दिमाग की शांति कितनी जरूरी है? देखिए, एम को प्राप्त करने के लिए दिमाग तो अशांत होना चाहिए, क्योंकि उसको जो पाने के लिए कर्म करने हैं तो दिमाग को चुप नहीं बैठना चाहिए, उससे रिलेटेड साधन भी जुटाने पड़ेंगे और उसको पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। पर मन शांत हो तभी आप दिमाग की अशांति को, उस चीज को गोल तक पहुंच के दूर कर सकते हैं। तो मन आपका शांत होना चाहिए, मन आपका बैलेंस होना चाहिए। आपको स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे खींचूंगा। अब स्ट्रेटेजी कैसे खींचूंगा उसके लिए तो दिमाग चलेगा, तो दिमाग चलेगा तो दिमाग अशांत होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को प्राप्ति के लिए। जी जी निर्मला जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जब भी व्यक्ति एम्बिशन सेट करता है, कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो कितना सही है एम्बिशन पैक करना? क्योंकि अक्सर भटकने का बड़ा डर रहता है एम्बिशन पैक करने के बाद। नहीं देखिए, अगर वो एम्बिशन सेट करेगा तभी उस पर वर्क करेगा जी। तो जो भी आपके सपने हैं वो एम्बिशन में कन्वर्ट होने चाहिए, है ना जी। ड्रीम तो हम बहुत वेग देख लेते हैं और बहुत बड़ा देख लेते हैं, बिल्कुल, पर उसको एम्बिशन में कन्वर्ट करिए, थोड़ी कटनी छटनी करके कि अब ये हम पाएंगे, और उस एम्बिशन के तहत आप काम करते हैं तो आप उसको प्राप्त करते हैं और आप अपने आप को काम का बना पाते हैं, आप डिसिप्लिन होते हैं जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्रोध जो होता है बड़ा ही हानिकारक होता है सभी व्यक्तियों के लिए, तो किस तरह क्रोध से बचा जा सकता है? मेडिटेशन करके, अच्छी बातें करके, अच्छा साहित्य पढ़ के, अच्छा म्यूजिक सुन के, अपने आसपास का अच्छा एनवायरनमेंट रख के, अच्छी सोच बना के, अच्छे दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करके, बहुत सारी बातें, अच्छे टीवी शो देख करके, तो आप अपने मन को ऑक्यूपाइड रख सकते हैं और क्रोध से बच सकते हैं। क्रोध से आप अपने सोचिए इंसानियत से भी भटक जाते हैं, उद्देश्य तो बहुत ही उथली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा निर्मला जी, अगर मैं बात करूं गायत्री मंत्र की, तो कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो लोग क्रोध करते हैं खासतौर पर उनके लिए?
कोई भी मंत्र, कोई भी ओम नमः शिवाय भी पढ़ेंगे तो भी क्रोध शांत हो जाएगा। जब देखिए कहा जाता है कि जब किसी को भी क्रोध आए तो उसके होने वाले परिणामों पे अगर उसने आधा मिनट भी सोचा ना, क्रोध अपने आप दूध की उफान की तरह खत्म हो जाएगा। तो कोई भी मंत्र अगर जिनको क्रोध आता है तो गायत्री मंत्र तो फिर भी बहुत बड़ा है, अगर वो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ही सफेद शिवलिंग का ध्यान करके अपने मन के अंदर उच्चारित करेंगे तो वहीं बर्फ बन जाएंगे, वहीं शांत हो जाएंगे। जी निर्मला जी, अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स को फोकस करने में काफी परेशानी होती है, तो किसकी आराधना करनी चाहिए स्टूडेंट्स को जिससे कि फोकस बहुत आसानी से कर सके स्टूडेंट्स? देखिए मेरी सारे स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने 24 घंटा में से 10 से 15 मिनट अपनी प्रेयर को दें, प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, सुबह। उससे क्या होगा कि एक तो उनकी सच में स्ट्रेंथन बढ़ेगी, उनकी इंटेलेक्ट भी जागृत होगी, वो सरेंडर भी होंगे तो शांत भी बनेंगे और डिसिप्लिन भी होंगे और सही सोच पाएंगे, उससे ना नेगेटिविटी खत्म होगी। तो 10 मिनट प्रार्थना पे दें, जिनको मंत्र पे यकीन है वो मंत्र पढ़ें, जिनको मेडिटेशन पे यकीन है वो मेडिटेशन करें, जिनको किसी पे भी नहीं सरल स्तुति पे यकीन है कि प्रभु तुम हमारे माता पिता, तुम देनहार हम लेने वाले, तो हमको सदा दीजिए, अच्छी आदतों से अच्छे गुणों से भर दीजिए, तो ये चीज से वो इथिकली साउंड हो पाएंगे। नैतिक नियमों का आपके जीवन के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है, इसी करके धर्म की जरूरत पड़ी पृथ्वी पे, धर्म माने धारण करने योग्य, तो वो धारण करने योग्य प्रार्थना जो है वो जरूर करनी चाहिए जी। उससे बच्चे स्ट्रेंथ होते हैं, सभ्य बनते हैं, सभ्य बनते जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्कर से अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी मैं जी अभिषेक जी, अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 11 अप्रैल 1992 है। मैं अपने करियर के बारे में पूछ सकता हूँ कि मैं किस करियर फील्ड में उन्नति कर सकता हूँ? मैम, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करते हो अभी? मैं मास कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है उसी में आगे जाओगे, हालांकि अप्स एंड डाउन बहुत है, लेकिन तुम पीक देखोगे 36वें बरस में अपने जीवन की, उसमें ही रहना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि एक दफ़ा आप बदलेगा, 4-1 साल के लिए तुम दूसरे काम पे भी लग जाओगे, पर फील्ड यही रहेगा, ठीक है, और इसी में रहो। उसके लिए पपाया या केला दान क्या करो थर्सडे थर्सडे को, तो ठीक रहेगा। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, घनश्याम जी हैं जयपुर से। घनश्याम जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मैं मेरे लिए नहीं, मेरे मिसेज के लिए पूछ रहा हूँ जी। उनकी जन्म तारीख है 15/11/1989, सरकारी नौकरी के लिए पूछ रहा था मैडम। लग जाएगी अगले बरस, इस साल भी चांसेस हैं, अगर जो कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो इस साल भी लग सकता है जी। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल। निखिल जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। निखिल जी, अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरी जन्म की तारीख है 4/1/90 और मैं मेरे बड़े भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उनकी जन्म की तारीख है 12/10/82 और उनका जो करियर है एट प्रेजेंट मैडम, वो दिल्ली में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो इस फील्ड में आगे उनका करियर कैसा? चार महीने और देने पड़ेंगे और वो क्लिक कर जाएंगे, सितंबर ऑनवर्ड वो क्लिक कर जाएंगे इसी फील्ड के अंदर। मैम, वो थोड़ा सा थक गया है करके, क्योंकि आउटपुट नहीं आ रहा है, पर 4 महीने और दे दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। निर्मला जी, हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों की जो करियर से रिलेटेड समस्याएं थी वो सुलझाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। तो दोस्तों, आज के हमारे शो में इतना ही, अगले शुक्रवार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और निर्मला जी से बिंगे मंत्रज्ञ जानेंगे करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मंत्र। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।